हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बादल फटा है। नेशनल हाईवे 505 के पास में ये बादल फटा है, जिसकी वजह से पूरी तरीके से जो ट्रैफिक है, आवाजाही है, वो बाधित हो गई है। तो हिमाचल प्रदेश से एक और खबर, जहां पर लाहौल स्पीति में बादल फटा है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से, जहां पर बादल फटा है। इससे पहले रामपुर में भी बादल फटा था, जिसकी तस्वीरें डरा देने वाली थी, कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। और इसके साथ साथ में कई और जगह है हिमाचल प्रदेश में जहां पर बादल फटने की वजह से यातायात पूरी तरीके से प्रभावित है। कुल मिलाकर लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही, खासतौर पर वो लोग जो कि पहाड़ी इलाकों में रह रहे हैं, क्योंकि कई सारे जो रूट्स हैं उनको डाइवर्ट किया गया है, कई सारे रास्ते हैं वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, टूट गए हैं, जिनकी बहाली का काम लगातार जारी है। खासतौर पर अगर बात की जाए उत्तराखंड की, तो वहां पर भी कुछ हालात ऐसे ही हैं। कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो हाईवे है वो पूरी तरीके से टूटा हुआ नजर आ रहा है। तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दोनों ही पहाड़ी इलाके, पहाड़ी राज्य, और फिलहाल दोनों ही जगहों पर हालात खराब नजर आ रहे हैं। हमारे साथ ज्यादा जानकारी लेकर शिमला से हमारे संवाददाता जुड़े हैं। रॉबिन, क्या कुछ जानकारी आपके पास? फिलहाल 40 लोग बताया जा रहा है कि अभी भी लापता हैं। क्या कुछ किया जा रहा है, कितने फिलहाल टीमों को मौके पर लगाया गया है? देखिए, हिमाचल प्रदेश में अब जो सिलसिला है, अगस्त के बाद यहाँ पर लैंडस्लाइड और खासतौर पर फ्लैश फ्लड का जो सिलसिला वो शुरू हो गया है, और लगातार मौतों का आंकड़ा है वो भी बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ा हादसा रामपुर में पेश आया था, जहां पर 33 लोग लापता चल रहे थे और 5 दिन के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद केवल 2 शव यहां पर बरामद किए गए हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं कि 300 से ज्यादा जवान, 385 के आसपास जो जवान है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं, जिसमें CISF, NDRF, SDRF, होमगार्ड और इसके अलावा आर्मी के भी जवान हैं, और साथ में 40 LNT भी यहाँ पर काम कर रही है। लेकिन इतना मलबा है कि हिमाचल प्रदेश के इस इलाके में अभी तक 33 लोग जो लापता बताए जा रहे थे, उसमें से सिर्फ 2 शव बरामद किए गए हैं। और ये जो 2 शव हैं, ये भी जो घटनास्थल है उससे लगभग 14 किलोमीटर आगे एक डैम है, तो वहां पर ये जो है कोल डैम के आसपास ये जो शव बरामद किए गए हैं 2 पुरुषों के। इसके अलावा आपने जैसा बताया कि लाहौल स्पीति में भी ताजा मामला सामने आया है, वहां पर भी जो बादल फटने की वजह से पूरा 505 जो नेशनल हाईवे है वो बाधित हो गया है। और ऐसी ही तस्वीर कुल्लू और मंडी से भी सामने आ रही है, लगातार जगह जगह पे लैंडस्लाइड हो रहे हैं, कई इलाकों में जो यातायात है, कनेक्शन है, वो टूट गया है। देखिए, हिमाचल पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर ज्यादातर जो यातायात है वो पूरी तरह से सड़कों पर निर्भर है, लेकिन जिस तरह से बारिश ने यहाँ पर आपदा मचाई है, इसने एक बार फिर पिछले साल की जो तस्वीरें हैं, कितने लोग बताया जा रहा है कि मलबे के नीचे अभी भी दबे होंगे, क्योंकि लैंडस्लाइड का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में लाहौल स्पीति में भी अभी लैंडस्लाइड हुई, कितने लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए जो इसके अलावा अभी जो आंकड़ा है वो 50 के आसपास पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। बीते कल मुख्यमंत्री ने इसको लेकर जो है बयान भी दिया था कि तकरीबन 50 लोग ऐसे हैं जो अभी भी लापता चल रहे हैं। इसके अलावा जो अभी तक 8 से 9 शव जो है बरामद किए गए हैं, खासतौर पर इन इलाकों में। वहीं नेशनल हाईवे जो 505 है लाहौल स्पीति में, यहाँ पर मामला क्योंकि अभी ताजा है, तो यहाँ पर अभी जानकारी जुटाने में, पुख्ता तौर पर जो जानकारी है आधिकारिक, उसको आने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ये आंकड़ा जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। प्रदेश भर में अब तक मानसून से 80 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, और इसमें से तकरीबन 144 से ज्यादा जो मौतें हैं वो पूरे मानसून सीजन में अभी तक जो है दर्ज की गई हैं। और वहीं मुख्यमंत्री ने बताया था कि पिछले कल यहाँ तक जो यानी कि 5 तारीख तक हिमाचल प्रदेश में 700 करोड़ के आसपास का जो नुकसान है वो प्रदेश को हो चुका है। तो देखिए, पिछले साल के मुकाबले ये बेहद कम है, लेकिन एक बार फिर लोगों के मन में दहशत का माहौल तो जरूर है, क्योंकि बरसात ने जिस अच्छा, तरह से रॉबिन, यातायात को फिर से बहाल करने के लिए किस तरीके से काम किया जा रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में पर्यटक पहाड़ों का रुख करते हैं और बड़ी संख्या में पर्यटकों के फंसे होने की जानकारी भी मिल रही है, ऐसे में किस तरीके से यातायात को बहाल किया जा रहा है? देखिए, यातायात पूरी तरह से यहाँ पर सड़कों पर निर्भर है, और ऐसे में PWD जो विभाग है, लोक निर्माण विभाग, उस पर जिम्मेदारी आती है, लेकिन यहाँ पर समय समय पर जो है मशीनें भी तैनात की गई है। ज्यादा जो जोखिम भरे इलाके हैं वहां पर मशीनें भी अतिरिक्त जो है डिपोर्ट की गई हैं। प्रदेश में आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत काम किया जा रहा है, और तमाम विभाग कुल मिलाकर युद्ध स्तर पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, साथ साथ में यातायात को बहाल करने के लिए भी तमाम प्रयास सरकार के द्वारा, शासन प्रशासन के द्वारा किए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन आपका जानकारी देने के लिए हिमाचल प्रदेश से, खासतौर पर लाहौल स्पीति में जिस तरीके से लैंडस्लाइड हुई उसके ऊपर अपडेट देने के लिए।